हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ में। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, चलिए आज हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ये भी उसकी तरह होता है, बस आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स आना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले पढ़ा दिया था। चलिए मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे का, ठीक। अब बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वही 2x2 होता है ना भाई, आर आर इक्वल टू सी होता है कि नहीं? इसमें 3x3। तो बच्चों, कोई मैट्रिक्स हमें हमारे पास है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर मान लीजिए हम इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, अगर ये -1 इक्वल आता है तो हमारा, जानते हैं कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसका ट्रांसपोज निकाले, अगर वो -1 इक्वल आया तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक अर्थात विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एज इक्वल टू, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हम लेते हैं 0 H G, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -H 0 F -G -F 0। अब देखिए, हमको उसको ए डैश इक्वल टू -A लाना है, डैश को मत पढ़ा करिए, मैंने आपसे कहा है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -A, ऐसे पढ़ा करिए, लेकिन हम जल्दी जल्दी हम ए डैश पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए, हम इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं, तो अब जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे निकलता है। जो रो रहते हैं, जैसे ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करिए, जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, कैसे? 0 H G, ठीक। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम आ जाएगा, -H 0 F, ध्यान दीजिए। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम आ जाएगा, -G -F 0। अब बच्चों क्या करिए, ए डैस लिखिए ट्रांसपोज ऑफ ए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा देखिए, 0 H G -H 0 F -G -F 0। अब बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो ए डैस इक्वल टू माइनस, देखिए किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, ध्यान दीजिए, देखिए ए की वैल्यू, तो हम ए लिख सकते हैं। अब देखिए प्रूफ भी हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ए डैस इक्वल टू माइनस ए आया, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए डैस इक्वल टू ए आता, तब जानते हैं कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जैसे एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ए डैस इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, 0 2 -2 0, कोई भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छे बच्चों, भी मैंने जितने जैसे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे इसकी सिमेट्रिक का, तो उसमें आप एक ही नोटिस करेंगे, वो नोटिस करें कि जो इसमें लीडिंग डायगोनल होता है, ध्यान दीजिए ये होता है ना हमारा लीडिंग डायगोनल, देखिए जो हमारा लीडिंग डायगोनल होता है ये इसमें 0 होता है, देखिए चाहे देखिए ट्रांसपोज करें चाहे जो करें, देखिए 0 आया कि नहीं, ध्यान दीजिए एकदम से, ये नोटिस करने वाली बात है आपके लिए। और जबकि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, वो इक्वल रहता था, मतलब समान रहता था, जो भी डायगोनल के पोजीशन होता वो चेंज नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो आप ऐसा करिए, नोट में इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख लीजिए कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट होता है, भाई जो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन है वो क्या कहते हैं, ऑलवेज क्या कहते हैं, 0 रहता है। आप ऐसा 0 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आप लिख दे रहा हूँ, तो समझ में आया, ये आपको नोटिस करने वाली बात है, नोट में लिख लीजिएगा। अब बच्चों, एक बात आपको बताना है, मान लीजिए अगर हम जैसे 2x2 के चले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू a11। अब मैं अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि, जैसे मैंने बताया कि 0 0 होता है, लेकिन आपसे पूछे क्यों होता है, सिद्ध करके दिखाओ, मतलब प्रूफ करके दिखाओ, तो आप देखिए ऐसे करेंगे, हाँ आप प्रूफ डालिएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, a11 a12 a21 a22, भाई ये 2x2 का मैट्रिक्स मैंने कोई भी ले लिया है, और अगर आप इसका ए डैश निकाल लीजिए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या हो जाएगा, रो कॉलम में हो जाएगा, a11 a12 a21 a22, ये तो होगा ना भाई। हाँ, अब देखिए, अब क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, सॉरी इसकी सिमेट्रिक क्या होता है कि हमको ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए लाना है, ये लाना, तो ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए वैल्यू कितनी है, ध्यान जी कितनी है, a11 a21 a12 a22 इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी है, a11 a12 a21 a22। अब देखिए यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आ गया, अब इसको कंपेयर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a11 इज इक्वल टू माइनस a11 हो जाएगा, भाई माइनस से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और a21 इज इक्वल टू माइनस a12 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, देखिए a12 इज इक्वल टू माइनस a21 हो जाएगा, और a22 इज इक्वल टू माइनस a22 हो जाएगा।
अच्छा बच्चों, इस पूरे से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? मतलब कुछ तो कंक्लूजन निकल रहा होगा ना। देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर मान लीजिए कंक्लूजन निकले कि जो ए आई जे हम निकालेंगे वो माइनस ए आई जे के आएगा, भाई यही तो हो रहा है। देखिए ये आई जे, मान लीजिए आई मतलब फर्स्ट रो मतलब रो और जे मतलब कॉलम, आपको बताया था। तो आई ए जे इज इक्वल टू माइनस आई ए जे के ऊपर आया। देखिए 1 1 1 1 2 1 1 2, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लिख दें 4 लीडिंग डायगोनल आई ए आई जे इसको ए जे आई सॉरी ए जे आई इसे ए जे आई लीजिएगा, ये ए जे आई ये है। तो 4 लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल क्या होता है, A11 होता है, A22 होता है और A33, यही तो होता है भाई, भाई इसका समान होता है। तो हम ऐसा ना करें आई इज इक्वल टू जे कर दें, तभी तो ये इसके इक्वल आएगा। तो अगर इसको आई इज इक्वल टू जे कर दें तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे कर सकते हैं भाई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई था, तो जे की जगह पे हम आई की जगह जे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जे है हम आई लिख दिए। देखिए अब इसको इधर लाते हैं, ए आई जे इधर लाएंगे तो प्लस ए आई जे हो जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करें कितना हो जाएगा, 2 AIJ हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या आ रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी जो हमारा A11 A21 IJ और A32 जो लीडिंग डायगोनल होगा वो हमेशा जीरो होगा। देखिए जीरो है भी, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे, देखिए आप मैंने आपको जैसे बताया था, देखिए लीडिंग डायगोनल है ये, तो लीडिंग डायगोनल देखिए ये भी जीरो है, देखिए ये भी जीरो है, इसकी सिमेट्रिक होगा केवल। देखिए इसलिए देखिए प्रूफ हो गया, तो आप इसको बता सकते हैं, अगर कोई पूछेगा तो आप ऐसे बताएंगे ये प्रूफ है, समझ लीजिए आपका। तो आप नोट कर लीजिए, अब बच्चों हमारे सिलेबस में थोड़ा थ्योरम दिया हुआ है एक दो ठो जो इससे रिलेटेड है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये थ्योरम हमारे क्वेश्चन में भी काम आ जाए, मतलब जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी काम आएगा। चलिए पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करा जाएगा। तो फर्स्ट थ्योरम का कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है जो ए है ठीक, विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमको देखिए प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि अगर हम ए प्लस ए डैश करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, ये ध्यान दीजिए, और अगर ए माइनस ए डैश करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक आता है, लेकिन कब, जब ए जो रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, आपको ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ बच्चों ऐसा ना करें कि इसको हम बी मान लें, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। पहले हम बच्चों जैसे बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश मान लिया, अच्छा बच्चों हमको पहले हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम प्रूफ करने जा रहे हैं ठीक। अच्छा बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि बी डैश इज इक्वल टू बी आना चाहिए भाई, अगर ए होता तो ए डैश इक्वल टू बी, तो हम बी मान लिए, तो अब इसको बी डैश इज इक्वल टू अगर बी आया तभी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ प्रूफ करते हैं, अगर ये आ गया तो ये सही है, नहीं आया तो गलत ठीक। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर मतलब बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी ए यहाँ होगा ए प्लस ए डैश का होल डैश, भाई बी डैश इक्वल टू बी लाना है तो हम बी डैश ले लिए। अब देखिए याद करिए मैं आपको एक चीज़ बताया था कि ए प्लस आगे प्रॉपर्टीज़ है, ए प्लस बी का अगर ट्रांसफर निकालते हैं इस किसके को लाता है ए डैश प्लस बी डैश, यही थी कुछ को लाता है ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने प्रॉपर्टीज बताया है, तो ये सब में आ जाएगा, यानी ए डैश प्लस ए डैश का डैश आ जाएगा, यही तो आया ना भाई। ये देखिए बी डैश है, आप अच्छे ध्यान दीजिएगा, बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए। अब देखिए ये नहीं समझ में आया आपको, देखिए मैं आपको बताया था अगर कोई भी हम ट्रांसफर निकालते हैं उससे अगर हम दोबारा ट्रांसफर निकालें तो वो ए के इक्वल आता है, ये भी देखिए मैट्रिक वो प्रॉपर्टीज़ था, याद रखिए। अब बच्चों ये बी डैश इज इक्वल टू, ये देखिए किसकी वैल्यू, ये बी की वैल्यू है कि नहीं, यानी देखिए हम प्रूव कर दिए, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए प्लस ए डैश है मतलब बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश है, वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप लिख लीजिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं समझ आया सर जी, चलिए अच्छा आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेते हैं, ये जानते हैं जो जो इससे थ्योरम कराए हैं इससे आपको क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड मिलेंगे, इसलिए मैं थ्योरम आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई ए दिया है, कोई मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 1 3 4 5 ठीक, हमसे क्या कह रहा है कि आप प्रूफ करिए, प्रूफ कीजिए कि ए प्लस ए डैश मतलब हम इसका ए प्लस ए डैश निकाले तो क्या है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको प्रूफ करना है ठीक, चलिए ठीक है ब्रेक लगा दी, चलिए यहाँ लगा दें तो हमको ये प्रूफ करना है, तो करना क्या है कि दिखा सा की चीज़ी। पहले आप ए लिखिए यहाँ, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए
तो जो दिया है वो लिखिए चुपचाप, कुछ नहीं करना। 1 4 3 5। अब देखिए अगर आप इसमें ए डैश दिया है मतलब ट्रांसपोज, तो आप ट्रांसपोज का तुरंत निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए? अब जानते हैं ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो ये है तो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा 1 3 4 5। ठीक, हमको इसी के अनुसार सिद्ध करना, जैसे मैं आपको बताया ना, ऐसे अगर आप प्रूफ करेंगे तो आपको आसानी होगी, इसलिए मैं आपको पहले थ्योरम बता दिया हूँ। अब मान लीजिए इसको लेट कर लीजिए, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, यही तो सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है कि अगर ये बी डैश इज इक्वल टू, अगर बी आ गया तो हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ए को प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन में क्या भी रहा। चलिए तो हम क्या करें, पहले इसको ऐसे लिखिए, ए लिखिए, ए कितना है, अभी बाद में ट्रांसपोज कर देंगे, पहले देखिए ए कितना है, ए 1 4 3 5 प्लस, अब देखिए ए डैश कितना है, 1 3 4 5। अब देखिए बी इज इक्वल टू, देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। अब मैं कहूँ अगर आप इसका बी डैश निकालिए तो रो जो होता है कॉलम हो जाता है, तो 2 7 हो जाएगा, फिर ये रो ये भी कॉलम हो जाएगा, 7 10 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए बी डैश इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, देखिए बी की वैल्यू है, देखिए बी की वैल्यू है कि नहीं। अब देखिए ये हम प्रूफ कर दिए, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमने जो थ्योरम फर्स्ट बताया था वो देखिए इससे फॉलो हो रहा है, यानी कौन सा मैट्रिक्स है इसकी, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आया कि नहीं आपको, बस ये आपको करना है, कुछ करना नहीं है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। क्या करना है, ये पहले लिख लें, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए हमको ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी आप बी मान सकते हैं, लेकिन हम बी पहले मान चुके, चलिए लेट सी मान लेते हैं इसे। सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। अब बच्चों इसकी सिमेट्रिक का जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि सी डैश इज इक्वल टू माइनस ई आना चाहिए, यही तो होता है भाई। अगर सी डैश इज इक्वल टू भाई, अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए या बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी या सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी आए तो क्या होता है, वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा हो जाता है। चलिए हमको ये प्रूफ करना है, क्या करते हैं, अब सी डैश लेते हैं, ए माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा कि अगर ए माइनस बी का होल डैश हम कराते हैं क्या आता है, वो आता है ए डैश माइनस बी डैश, यही तो आता है भाई। जैसे ए प्लस बी में था वैसे माइनस बी में होगा, तो सी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, ये हो जाएगा। अब देखिए सी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश डैश, ये हो जाएगा भाई। देखिए ए डैश अगर है उसका, फिर हम दोबारा अगर डैश कराते हैं, डैश मतलब क्या ट्रांसपोज कराते हैं, तो एक इक्वल आता है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था। अब देखिए आप क्या करिए, सी डैश इसमें अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, देखिए माइनस कॉमन लेंगे क्या आएगा, ए माइनस ए डैश आएगा, यही तो आएगा ना। अच्छा बच्चों ये किसकी वैल्यू, ध्यान दीजिए ये सी की वैल्यू, यानी हम सी डैश इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। देखिए प्रूफ होगा कि नहीं, यानी कौन सा मैट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सम समित आव्यूह है। अब देखिए हम लोग एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं, एग्जांपल से आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए वही जो हम पिछले एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल इसमें भी लेते हैं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए पूरा। पिछले एग्जांपल यही लिए थे ना कि वन थ्री फोर फाइव, ये वन ध्यान दीजिएगा। और इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कर रहा है कि आप सिद्ध करिए कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमको ये प्रूफ करना है पूरा। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, तो जो दिया है उसे लिख लीजिए, ए क्या दिया है 1 3 4 5। ठीक, इसका आप तुरंत ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है भाई, यही तो आपने सीखा है, 1 3 4 5 ये हो जाएगा। अब देखिए आप करना क्या है, लेट्स इसको आप मान लीजिए, चलिए बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करना है, ए माइनस ए डैश है, यही तो आपको लाना है, ए डैश ए माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस लाना है, यानी आपको क्या लाना है कि बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी लाना है। जहाँ आपने अगर ये लाया तो ये कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो बी पहले आप ए निकाल लीजिए, ए कितना है ध्यान दीजिए 1 4 3 5 माइनस ए डैश कितना दिया होगा 1 3 4 5। अब दोनों को आप क्या करिए माइनस कर दीजिए, देखिए 1 माइनस 1 गया 0 आएगा, 3 माइनस 4 गया माइनस 1 आएगा,
फोर माइनस थ्री का है वन आएगा, फाइव माइनस फाइव का जीरो आ गया। ठीक, अब आपके लिए इसका बी डैश निकालिए, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, रो जो है कॉलम में चल जाएगा, यानी ये रो है तो जीरो माइनस वन हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा। आप देखिए आप करिए क्या, बी डैश इज इक्वल टू, बच्चे इसमें से आप ऐसा करिए माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, ध्यान दीजिए जीरो माइनस वन आएगा भाई, माइनस कॉमन माइनस आएगा, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी डैश इज इक्वल टू, ये जानते हैं किसकी वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू, ध्यान दीजिए ये बी की वैल्यू है, तो हम बी डैश इक्वल टू माइनस भी ले सकते हैं। अब देखिए हमको प्रूफ करना था, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, मैंने आपने आपको नोट में भी लिखवाया था कि इसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि जो लीडिंग डायगोनल होता है उसका वो जीरो होता है। देखिए यहाँ पे जीरो आया भी है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये नोट जो मैंने आपको लिखवाया है सिमेट्रिक में उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, दोनों याद रखिएगा, देखिए जीरो आया कि नहीं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।